देखियो क्या टाइम हो रहा है, 2 घंटे से वेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। 24 घंटे में से 8 घंटे तो तेरे को मनाने में लग जाते हैं, बाकी के 25 घंटों में तो इंतजार करवाने लग जाती है मेरे को यहाँ पे। मेरी जिंदगी है क्या है, ऐसा नहीं लग रहा था जैसे बच्चे पाल रहा हूँ मैं। अच्छा बच्चा पाल रहे हो, तुम्हें क्या लगता है हमें कोई और काम नहीं होता है? पता है सुबह उठ के नहा धो के आना पड़ता है तैयार होके, तुम्हारी तरह नहीं कि बस उठे और बिना मुंह धोए आ गए। ओ हेलो, ये मत बोलियो मुंह धो के नहीं आया हूँ, क्लिनिक प्लस से मुंह धो के आया हूँ। क्लिनिक प्लस से मुंह कौन धोता है बेवकूफ, बस पता चल गया मुझे किस काम के तुम लड़के, किसी काम के नहीं हो, बस कुछ भी मिल जाए कहीं पर भी लगा लेते हो बस उठा के, और सुबह सुबह उठ के बाइक उठा के आ जाते हो। ओ हेलो, बाइक की बात तो तुम उससे करियो ही मत, खुद देखे स्कूटी कैसे चलाती है तू, यार घसीट घसीट के तो ब्रेक लगते तेरे, हफ्ते में तेरे को 4 चप्पलें दिलानी पड़ती है। तुम्हें लगता है कि हम लड़कियां कोई काम अच्छे से नहीं कर सकती है? नहीं तुम खुद क्या करते हो, हाँ सारा दिन तो बस बाहर घूमते रहते हो, बस दोस्तों को फोन मिलाया, दारू उठाई और निकल पड़े, माँ बाप की बात कभी सुनते हो तुम लोग? हाँ 4-4 दिन तक तुम लोग घर में नहीं आते हो, अकल है तुम्हें? हाँ कुछ अता पता होता है तुम्हारा? ओ हेलो, तूने क्या समझा हुआ है लड़कों की लाइफ को? हाँ तेरे को पता हम सबको क्या क्या झेलना पड़ता है, बचपन से ही पैदा होते के साथ ही तो तुमको बड़ा प्यार दिया जाता है कि तुम घर की लक्ष्मी हो, फिर जब बड़े हो जाओ स्कूल में आ जाओ तो फिर तुमको मुआवजा भी मिलता है कि शादी का कन्यादान भी देना पड़ेगा, ठीक है? फिर थोड़े से बड़े हो जाओ कहीं जॉब करने लग जाओ तो वहाँ पे क्या होता है, हमें तो जॉब देते नहीं, आपकी जी दाढ़ी बड़ी हुई है लड़कियों के, अरे वाह मेकअप आ जाइए रिसेप्शनिस्ट जी, है ना? और उसके बाद ये सारी चीज होने के बाद फिर आपको एक बॉयफ्रेंड बनाना होता है जो आपके सारे नखरे उठाए, जब इन सब चीजों से भी मन भर जाता है ना तो फिर आपको शादी करनी है ना, और ऐसे लड़के से शादी करनी है जो आपको जिंदगी भर संभाले। नाइट सेट। अच्छा तुम्हें लगता है कि हमारी लाइफ बहुत आसान होती है? हाँ तुम्हें पता है हमें कितनी टेंशन होती है, पहले पढ़ाई की, फिर घर का काम करो, और फिर शादी की भी टेंशन होती है, फिर बच्चे करो उन्हें पालो, पता है तुम्हें शादी भी किसी से भी उठा के कर देते हैं, हमारी इतनी टेंशन रहती है हमारी लाइफ में, पर नहीं तुम लोग क्या समझोगे, छोड़ो मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। तो मैं तुझे कौन सा अपने सर पे चढ़ा रहा हूँ मेरी माँ, जा निकल। ये क्या माजरा चल रहा है, ये तो नैंसी है और मैं राहुल, नैंसी राहुल, ओ भाई क्या सीन है ये, चेहरे पे बाल, मैं राहुल मगर मैं तो नैंसी, नैंसी राहुल, राहुल नैंसी, क्या हो गया यार, Oh no! कितना गंदा लग रहा है यार, क्या करूं, oh my god, राहुल को फोन करती हूँ, मतलब नैंसी को करती हूँ। हेलो हेलो नैंसी, मेरा मतलब राहुल, मतलब राहुल नैंसी, अरे जो भी हो यार बोलो ना। हाँ राहुल बोल। तुम भी? हाँ वही तो, मुझे भी समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है ये, कैसे हो गया ये? अबे तू बता ना क्या कर रहा है तूने, सच सच बता मुझे, सच सच बता, तूने काला जादू करवाया ना मेरे ऊपर? पागल हो रहे हो क्या, कैसी कैसी बातें कर रहे हो यार, ये कैसे रहते हो तुम घर पे, तमीज में रहना, लड़की के शरीर पे हो तुम। हाँ हाँ ठीक है, इतना भी बेशरम नहीं हूँ मैं, ये कच्चे वच्चे पहन के मत निकल जाना बाहर, और हाँ नहा के निकलना ना तुम, बॉडी ढक लेना।
पर मेरे को तो मजे आ रहे भाई तेरी बॉडी में, इतनी भी बुरी नहीं है। बदतमीजी मत करो तुम, बता रही हूँ मैं। ओए माँ। ठीक है फोन रख। ओ भाई लड़की बन गया मैं तो, मजे आ रहा है। छी यार कितना अनाई जाने के लिए। ये तो दुख मना रही है, मैं क्यों दुख मनाऊं? मैं तो मजे लेता हूँ। एक काम करता हूँ, इसकी सारी फ्रेंड्स के पास जाता हूँ और फिर पता लगाता हूँ कि वो चुड़ैले क्या सोचती है मेरे बारे में। मजा आएगा पिड़ू। पर मैं क्यों दुख मना रही हूँ, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाती हूँ। क्यों ना इसके फ्रेंड्स के पास जाऊं और देखूं कि वो मेरे बारे में क्या क्या बातें करते हैं। पक्का कुछ गलत तो बोलते ही होंगे, तभी ये ऐसा है। चल नैंसी लग जा काम पर। ओए तेरे को पता है वो नेहा है ना भाई, आजकल इतनी शॉपिंग कर रही है कि तू पूछ मत। मेरे को तो लगता है कि उसने ना कोई अमीर सा बंदा फंसाया, उसी के पैसों पे मौज ले रही है वो। हाँ यार मैं भी नोटिस कर रही हूँ 2-4 दिन से, डेली न्यू क्लोथ, डेली न्यू शूज, ब्रांडेड क्लोथ। ने बंदे को पूरा अच्छे तरीके से लूट रखा है, और कपड़े तो कपड़े बंदे भी बदलते हैं हर महीने। लड़कियों को ना चुगलियों के सिवा और कोई काम ही नहीं है, खाली दूसरी लड़कियों की चुगली करती रहती हैं। यार इनसे कैसे निकलवाऊं यार बात। अरे यार तुम वो छोड़ो ना, तुम्हें पता है मेरे बॉयफ्रेंड ने ना मेरा जीना हराम कर रखा, इतना परेशान किया हुआ उस बंदे ने मुझे। भाई मैंने तो तेरे को पहले ही बोला था ना, बेकार बंदा है वो, तो सुनती का है हमारी, छोड़ देना उसको। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता तूने उसे हाँ किस बेस पे किया, उसकी तो तेरे से हाइट भी मैच नहीं होती। हाइट तो हाइट, शक्ल देखिए उसकी, नहाता भी नहीं है ऐसा लगता है। छी पता नहीं कैसे तू उसके साथ रहती है, ना उसको कपड़े पहनने का ढंग, और उस दिन उसके बगल में खड़ी थी इतनी स्मेल आ रही थी, कैसे रहती है तू उसके साथ? उसके पास तो ना पैसा है ना शक्ल, तो उसके पास गई क्यों? ना ही शॉपिंग कराता है, ना ही मूवी दिखाता है, ना ही घुमाता फिराता है, और उल्टा तेरे से ही पैसे लेके ऐश करता है। अबे भाई यार कल की पार्टी में क्या मजा आ गया, और तुम दोनों ने ब्लैक ड्रेस वाली लड़की देखी थी, क्या मस्त लग रही थी। अरे यार लड़की छोड़, तूने दारू नहीं देखी क्या? भाई कितनी ठंडी थी, गले से उतरती सरूर बन रहा था, मैं तो और पी जाता लेकिन यार खत्म हो गई थी। अबे यार इसके सुअर दोस्तों को दारू और लड़की के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं है, कैसे निकलवाऊं इनसे अपने बारे में बातें। दारू तो मैं भी पी लेती, मतलब पी लेता, लेकिन वो पीने कहाँ देती है यार, सर पे बैठ के नाचती रहती है हमेशा, मेरी माँ बनी हुई है। भाई हमने तो तेरे को बोला था उसको मत पटा, जब से वो तेरी लाइफ में है ना देखियो अपने आप को कैसा हो गया, बर्बाद हो गया तू, बर्बाद। हाँ भाई यार उस चुड़ैल का पीछा छोड़ दे, वो डांसी मुंह की, तेरे दिमाग में वो चीज घुसती नहीं है क्या? भाई मेरे को नहीं लगता ये समझेगा, इसके सर पे ना उस चुड़ैल का साया मंडरा रहा है। भाई तू अपनी हालत देख, दाढ़ी और तूने परमेश वर्मा की तरह बना ली, बट अपनी हाइट तो देख, इतना था उसने काट काट के इतना कर दिया यार। हाँ देखियो अपने आप को, राजपाल यादव बना दिया तेरे को, 24 घंटे शॉपिंग 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 शॉपिंग, यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ, दिमाग खराब करके रखती यार वो तो। हाँ भाई तू सही कह रहा है, और तूने देखा है इसको दिन पर दिन क्या चेंज हो रहा है, हमारे लिए 5 रुपए की किटकैट तक नहीं लाता था, और उसके लिए 150 वाली चॉकलेट लेके जा रहा है। भाई अभी भी टाइम है संभल जा, वरना आगे पछताएगा। भाई मेरे को भी लगता है कुछ समझेगा। खाने देगू हमको क्या। ये लड़कियां कैसे कपड़े पहनती है, मैं तो चला भी नहीं जा रहा। अरे ओ महारानी कहाँ चल दी? मम्मी 9 तो बजे अभी बस। अच्छा 9 बजे निकलेगी तो कितने बजे आएगी? आ जाऊंगी 12 बजे तक, क्या हो गया? वाह अब लड़की घूमने जाएगी रात में, न्यूज व्यूज नहीं देखती क्या? हे भगवान लड़की है लड़की तू, तेरे को कितनी बार बताऊं मैं, और ये क्या कपड़े पहने इतने छोटे, समय देखा है तूने? हाँ बाहर निकलेगी सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे, नौ कट जाएगी हमारी, तेरे पापा से ने कह के तेरी टांगे टूटूंगा, तुम अंदर बैठ जा शांति से जाके। अरे मम्मी क्या हो गया, 9 ही तो बजे अभी, आ जाऊंगी मैं 12 बजे तक। ज्यादा पर निकला है, तेरे पापा से कह के ना तेरी टांगे तोड़वा दूंगी, अंदर बैठ जा। लड़के वाले आए थे ना तेरे को परसों देखने, अभी तेरे हाथ पीले करके दूसरे घर रवाना करती हूँ मैं, करियो जो करना है वहां जाके, कम से कम वहां से पीछे छूटेगा, अंदर बैठ जा शांति से। गर्मी जाते शिकंजी बना के पीऊंगी। आ,
हाँ पापा हाँ। बेटा एटीएम से 5,000 रुपए निकाल ला और हाँ लेट मत करियो जल्दी आ। इनको भी तो फेरी में याद आता है, हालत खराब हो गई। मम्मी को क्या काम है? हाँ मम्मी। हाँ राहुल बेटा काम पर है, जल्दी से भाग के जा दूध लेके आ, चाय बना के बिल्कुल भी धूप बचा, जल्दी जा। हाँ ला रहा हूँ ला रहा हूँ। दोपहर में कौन चाय पीता है, टैनिंग हो जाएगी, गॉड कमर पे ठंडा ठंडा लग रहा है। क्या है क्या, तोड़ दूंगी मैं फोन। हाँ अरे बेटा प्याज टमाटर तो रह गए, चल जल्दी से वो भी ले। क्या यार मम्मी आप सारी चीजें एक बार नहीं मंगा सकते क्या, दस चक्कर लगवा दिया आपने। जल्दी जा। हाँ ला रहा हूँ। रन भगवान, गर्मी में इतने चक्कर लगवा दिए, मुझे तो लगा था हम लड़कियों को ही काम होते हैं, पर इन लड़कों की लाइफ भी आसान नहीं है। चलो अंदर जाती हूँ। अबे यार ये नैन्सी की मम्मी मेरे भरोसे रोटियां छोड़ गई, अब इन्हें कौन बताए मुझे रोटियां क्या, मुझे तो एक कप चाय भी नहीं बनाने आती है, अब क्या करूं मैं। कोशिश ही कर लेता हूँ, और क्या क्या हो गया, आसानी तो होती है, मम्मी भी तो बनाती है। हाय हाय क्या ये आटा ही है और क्या है। अच्छा ऐसी रोटियां बनाऊंगा ना इसकी मम्मी तो फिदाई हो जाएगी। ऐसी तो नहीं होती रोटियां, ये क्या हो रहा है। चल दोबारा कोशिश करता हूँ। बन गई, छोटी छोटी रोटियां खा लेगी आंटी और क्या। चलो आज तो बहुत टाइम बाद इस कुत्ते का ना फोन हाथ में लगा है, आज करूंगी जम के शॉपिंग। ये वाला टॉप भी मंगा लेती हूँ, ये वाला भी मंगा लेती हूँ, पेटीएम करूंगी इस कुत्ते के फोन से। फोन दिन भर मोबाइल फोन, हाँ सोते उठते बैठते हगते नहाते दिन भर फोन। बेटा इस फोन के बाहर देख एक खूबसूरत दुनिया है, तेरी बूढ़ी माँ तेरे खर्चे पाल पाल के थक गई है, शर्म कर ले थोड़ी सी, इतनी सी भी शर्म नहीं है तेरे अंदर, यानी कि मैं एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूँ, एक बहू ले आऊँ, मम्मी को आराम दे दूँ, प्यारे प्यारे बच्चे कर लूँ, लेकिन नहीं तुझे शर्म ही नहीं है, तेरे को तो इस फोन के अंदर बड़े रहना है। एक तो तेरे दोस्त है तेरे जैसे लीचड़, उनकी संगत में रह के ना तू और निकम्मा हो गया है। निकम्मा तो खैर तेरा खानदान भी है बेटा, तेरी गलती नहीं है, गलती तो मेरी है, ये नहीं कि मैं अपने माँ का ध्यान रख लूं थोड़ा पढ़ लूं, नहीं शर्म ही नहीं है तेरे अंदर, तो तेरे पापा हैं जो जिम्मेदारी के बोझ के तले मर गए, लेकिन तुझे कहाँ शर्म आएगी। बेटा इस फोन ने रख दे, पढ़ ले, किताब खोल लिया कर, कभी काम आएगी तेरे फोन, काम नहीं आने वाला तेरे। सुधर जा, पढ़ ले, छोड़ दे इसको, फोन में लगे रहना दिन भर हमें। ये बढ़िया है, देखो जरा क्या क्या देखती है ये फोन में, चैट पढ़ता हूँ इसकी इसके बेस्ट फ्रेंड के साथ। अबे यार ये साला पेट क्यों दुख रहा है मेरा, मोमोस पिज्जा खाती रहती है पेट तो दुखेगा ही। मम्मी भगवान क्या हो रहा है, पीरियड्स, क्या हो रहा है, ओ भाई इतना दर्द। अरे मम्मी पेट में दर्द हो रहा है, मेरे को हॉस्पिटल ले चलो।
भाई। ओए भाई। इतना दर्द है। कैसे सहती है ये बेचारी लड़कियों? अबे यार परेशान हो गई हूँ मैं तो, सारा दिन बस इधर उधर उधर इधर बस घुमाते ही रहते हैं मुझे, जैसे इंसान नहीं मशीन हूँ। मुझे तो लगा था लड़कों की लाइफ कितनी मज़ेदार होती होगी, बस सुबह उठो, खाओ पियो, मुंह भी मत धो और बस दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकल जाओ। पर नहीं, इनको भी कितने सारे काम होते हैं, कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनके सर पे। हे भगवान, मुझे फिर से लड़की के शरीर में भेज दो, मुझे अपने उसी रूप से प्यार है। प्लीज 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 गॉड, दुखी कर। हे भगवान, मुझे मेरा शरीर वापस दे दो, बस कुछ नहीं मांग रहा आपसे, बस मेरा शरीर वापस दे दो। ये बेचारी लड़कियां कितना दर्द सहती है, मैं तो परेशान हो गया, एक ही दिन में 5-5 दिन कैसे झेलूंगा। भगवान जी बस और कुछ नहीं मांग रहा, 50 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा आप पे, पक्का पक्का पक्का, बस मुझे मेरा शरीर वापस कर दो भगवान जी, प्लीज 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 मेरा शरीर वापस कर दो प्लीज भगवान जी, मैं आज के बाद कभी कंप्लेंट नहीं करूंगा आपसे, पक्का प्रॉमिस, बस मेरा शरीर वापस कर दो प्लीज प्लीज भगवान जी, और नहीं रहना मेरे को इस शरीर में। अरे भगवान जी वापस कर दो। मुझे दाढ़ी? अरे थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, मेरा शरीर वापस कर दिया। हाय हाय कितना मजा आ रहा है। हम आई हूँ, मैं आई हूँ बेचारी को ना सॉरी बोल देता हूँ, कल कितना सुना दिया यार उसको, पता नहीं क्या क्या सोच रही होगी। फालतू में अंडरएस्टिमेट कर रही थी कि इनकी लाइफ तो बड़ी मज़ेदार होती है, बस घूमो फिरो ऐश करो, पर ऐसा नहीं होता। बेचारों के सर पे कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कितनी सारी जिम्मेदारी होती है। अब मैं समझ गई हूँ, थैंक यू भगवान जी, आपने बस एक ही दिन के लिए मुझे लड़का बनाया। अब मैं किसी भी लड़के को नहीं बोलूँगी कि उनकी लाइफ बहुत ईजी होती है, जितनी लाइफ हमारी डिफ़िकल्ट होती है उतनी लड़कों की भी डिफ़िकल्ट होती है। सॉरी, अरे अब मैं उसको भी जाके सॉरी बोलती हूँ, बेचारे को कितना कुछ बोल दिया था मैंने।